मैंने अपनी वाइफ को बोला कि कोई भी एक चीज, चाहे महंगी से महंगी चाहे सस्ती से सस्ती, लेकिन कोई भी एक चीज ही तुम पसंद करो और ले लो। एक बार दुकान में और देख लेते, क्या पता वहाँ और अच्छा हो। कल है 6 नवंबर और कल ही के दिन बड़े धूमधाम से मैं बारात लेकर के गया था अपने पे ही हुक्म चलाने वाली वाइफ को लाने के लिए, भाई साहब। और मेरी वाइफ को लगता है कि मुझे याद नहीं होगा कि कल हमारा एनिवर्सरी है। कैसे भूल सकता हूँ मैं, एक एक दिन याद रहता है। अभी चलते हैं, थोड़ा सा उसको सरप्राइज देंगे, सेलिब्रेट करेंगे। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मंडी लेकर के मार्केट में आया हूँ, देखा कि कोई भी एक चीज, चाहे महंगी से महंगी चाहे सस्ती से सस्ती, लेकिन कोई भी एक चीज ही तुम पसंद करो और ले लो। ये कंफ्यूज हो गई पूरे मार्केट में, पूरे मार्केट में कंफ्यूज है, आधे घंटे से घूम रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या प्यार। मम्मी घूम रही है, ढूंढ रही है कुछ कुछ, बैठ के रो रही है। क्या चाहिए तुमको? अरे रुको, पहले मम्मी खो जाए मार्केट में लेट गए। अरे चल ले, क्या क्या इसमें इसमें और इसमें, ये तो येलो लग भी नहीं रहा वहां से, तीनों में कंफ्यूज है, समझ में आ रहा है? बौखला जाती है लड़की जब ऐसा ऑफर मिले तो। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ ये ले लो। इधर देखो, इधर पसंद नहीं आया? नहीं पसंद है। हाँ तो एक बार दुकान में और देख लेते, क्या पता वहाँ और अच्छा हो। हाँ चलो, अच्छा अच्छा मैं चलो भैया चल। तो अपने पॉपकॉर्न के लिए परेशान है, लो लो पास। और इसकी मम्मी लग गई फिर से, लग गई पॉपकॉर्न खाने। क्या ही बोल दिया मैंने इसको, अब तो पता नहीं वो एक चीज इसको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, अल्लाह ही बेहतर जाने। इसकी मम्मी अपना काम कर रही है, अपना काम कर रही है। मुझे नहीं पसंद आ रहा ये सब स्टाइल से, तो ले लो। मैंने तो बोला एक चीज जो लेना है ले लो। जहाँ से शुरू किया था वापस वहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑप्शन दिया था ना कोई एक चीज, अब वो एक चीज कब पसंद आएगा अल्लाह बेहतर। क्या हुआ भाई? ये वाला ट्रिक आप लोग भी है ना अपनाना, आपका काम आसान हो जाएगा, खुश भी हो जाएगी, कुछ मुझे नहीं लगता ले पाएगी ये, देखते हैं कुछ लेगी कि नहीं लेगी। कंफ्यूज है, कभी पर्स देख रही है, कभी फ्रॉक देख रही है, कभी सूट देख रही है, ये देखो पर्स देख रही है। नहीं बोलूंगा मैं तुमको, अकेले जाओ जहाँ जाना है तुमको। पर्स लोगी क्या? हाँ पर्स लोगी तो है, तो इतना अच्छा पर्स देखिए। 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है भाई जब से मैंने बोला है, 1 घंटा। जैसे मैं करता हूँ वैसे ही करती है, एकदम कॉपी करेगी पापा को। जिस तरह से लगी है लग रहा है लेके ही मानेगी। इधर आओ, इधर यहाँ है मम्मी, ढूंढो कहाँ है, आज नहीं मिलेगी मम्मी। कहाँ है, कहाँ है, ढूंढो कहाँ है, देखो आज मिलेगी नहीं भाई। 1 घंटा 45 मिनट हो गया जब से बोला है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। लेकिन बीबी अभी ये सब देखना शुरू कर दी थी, मुस्कुरा के भाग गई, स्टील का सामान देखने लगी थी। क्या हुआ? स्टील का सामान देख रही थी। क्या देख रही थी? हाँ उसी गली से निकली है। अब देखो फिर से देखो क्या देखने आए। कहाँ चलते हैं? अभी तो मैंने इसको बताया भी नहीं है कि ये एनिवर्सरी के लिए मैं कर रहा हूँ, उसको याद भी नहीं है कि एनिवर्सरी है हमारा। सोचो उसको पता होता तो अभी तक क्या क्या ले लेती। बहुत
अब देखो पूरा कोई एक दुकान नहीं बचेगा आज। क्या है यहाँ से देखो कहाँ से देखेगी कहाँ से हाँ मिल गया क्या नया जगह और मिला है सारी बच्चा मेरी परेशान परेशान घूम रही फातिमा इधर क्या हुआ देख रहा हूँ है फातिमा रख दो रख दो क्यों उठाई बिना पूछो आज लेगी हाँ चलो सीधा रास्ता देखो सीधा सीधा वो रास्ता निकलता है घर की तरफ चलो पहले रोड पे चलो रोड पे चलो सीधा हम कहीं रुकना नहीं मुड़ना नहीं बता रहा हूँ मैं तुमको फिर क्या लोगी लो भाई जो लेना है ले लो एक लेना है दो लेना है जितना लेना है ले लो जल्दी जल्दी लो जल्दी लो जल्दी ले लो लो जो लेना है जो सर डिजाइन पसंद है वो ले लो जल्दी से जल्दी लो पांचों उंगली में भर लो कितनी देर से मम्मी घूम रही है बेटा कितनी देर से सुबह से ना चैन भी पूछ रही है अब चैन भी तो भाई लोग लगभग लगभग सवा दो घंटे के बाद तीन घंटा लगा पूरा फ्रूट भी तो खरीदने बैठ गए तीन घंटा लगा ही है देख लो क्या हाल हुआ तो फाइनली इसको भी याद है कि एनिवर्सरी है तो मैं इंतजार कर रही थी अगर आप कुछ नहीं बोलते ना तब मैं बताती कल भी मैं कुछ अच्छा एक बात बताओ भाई जो बंदा जिसको उस दिन सजा मिली हो वो अपनी सजा का डेट भूल सकता है क्या हर पति को याद होता है लेकिन वो याद करना नहीं चाहता है अभी फ्रूट वाले के पास क्या हुआ फ्रूट वाले ने क्या एड्रेस नहीं दिखाओगी एड्रेस तो दिखाओ तो दिखाऊंगी दिखा दो ना रुको मैं रोकता हूँ फ्रूट वाले में ये एप्पल चढ़ा रही थी तो फ्रूट वाले ने कहा अरे मैडम एक केजी एप्पल में एक घंटा लगा दिया मैं कुछ नहीं बोला मैंने उसको टाइम दिखाया घड़ी का एक सेकंड के बाद मैंने कहा भाई कितना टाइम हो रहा है जैसा देखियो कहता है 32 मैंने कहा पूरा टाइम देख कह रहा है 9:32 मैंने कहा साला 8:30 बजे तो मैं वॉलीबॉल खेल रहा था यार उसके बाद मैं आया हूँ कॉम्प्लेक्स से तब इसको लेकर के गया पूरा मंडी घुमा करके लाया हूँ लड़का सन रह गया अब ड्रेस दिखा रही है ये ड्रेस दिखाओ पूरी मंडी को बाप रे बाप ड्रेस भी है बहुत प्यारा ड्रेस है कैसा लग रहा है आप लोग बताना बहुत प्यारा है और ये इसका दुपट्टा है मेन दुपट्टा बहुत खूबसूरत है बड़ा है एकदम कॉटन है तो इतना पूरा मंडी ढूंढने के बाद अगर एक चीज लिए हो तो और अंगूठी कहाँ है तो चलो बाय बाय।